Question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden outside 30 meter. Find the area of path. Second part, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per square meter. ठीक है, ये एक square garden है, इसके या इसका साइड है 30 मीटर. ठीक है, पाथ है इनसाइड द गार्डन, पाथ की जो विड्थ है 1 मीटर. ठीक है, हमें जो जो पाथ है इसका एरिया निकालना है. इसका पहले हम देखेंगे साइड, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना है 30 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड 30 इनटू 30 व्हिच इज इक्वल टू 3309 यानी 900 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ इज 900 स्क्वायर मीटर. नाउ साइड ऑफ गार्डन excluding 1 meter wide, 1 meter wide path kitne hain. Dekho ye 30 hai, yahan se 1 meter kam ho jayega, yahan se 1 meter kam ho jayega, to kitna bacha 30 minus 2 which is equal to 28. Therefore area of garden excluding path kitna hai, area of square garden ho gaya side to side which is equal to 28 into 28. theek hai, which is equal to 784 square meters. Area of the square garden including path is 900 square meters. Now area of the square garden excluding the path, yani path ke bagair is kya hai 784. therefore area of path, area of path kya aayega, wo aayega area of the square garden including path and hai 900 minus area of square garden excluding the path which is equal to 784 which is equal to 10 mein se 4 ho gaya 6 9 mein se 8 ho gaya 1 8 mein se which is equal to 116 square meters. ये पहले पार्ट का आंसर था. सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन. तो रिमेनिंग पोर्शन है यानी पाथ क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा 784. वो क्या है, एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. नाउ कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर इन वन स्क्वायर मीटर इज रुपीज 40. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास कितने हैं 784 स्क्वायर मीटर विल बी इक्वल टू 784 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 0 4 और 64 32 प्लस 1 33 और सर 28 प्लस 3 हो गए 31. सो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास फॉर 784 स्क्वायर मीटर इज 31,340 रुपीज. तो इसका आंसर है नंबर 6. टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर. ये दो क्रॉस रोड है, इसकी भी विड्थ है 10 मीटर, इसकी भी विड्थ है 10 मीटर. कट एट अ राइट एंगल्स through the center of the rectangular park of length 700 meter and 300 meter. ये एक कट है, हो जाते हैं यानी बीच में कट हो जाए राइट एंगल्स. कहां पर रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 700 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर. एट पैरेलल टू इट्स साइड फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स. हमें जो रोड्स हैं इनका एरिया बताना है. ठीक है, फाइंड द ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड. और जो पार्क फिर बचते हैं जो जो चार हिस्से हैं इनका भी एरिया बताना है.
give the answer in hectares. Hectares में answer बताना है. पहले हम देखेंगे length. Length of path क्या है? यानी L. Length of path is 700 meter. Breadth. Breadth of path क्या है? Which is 300 meter. Therefore area. Area will be area of rectangle. Rectangle क्या होता है? ये rectangle power है यानी length into breadth. Length into which will be length 700 है, breadth 300 है. वो हो गया 0000 7321. ठीक है. टू लेग 10,000 स्क्वायर मीटर्स. टू लेग 10,000 स्क्वायर मीटर्स इस पार का टोटल एरिया है. नाउ लेंथ ऑफ क्रॉस रोड, पहले PQRS क्या है? तो PQRS इसकी लेंथ क्या है? वो तो लेंथ ये हो जाएगी, लेंथ 700. इसी तरह से लेंथ ऑफ क्रॉस रोड ABCD है, इसका लेंथ क्या आ जाएगी? ये लेंथ है, ये क्योंकि पार्लर साइड्स के हैं. अच्छा, विड्थ ऑफ ईच क्रॉस रोड, दोनों क्रॉस रोड की विड्थ है जो वो सेम है, क्या है? 10 मीटर. ठीक है, 10 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ क्रॉस रोड वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ PQRS प्लस, यानी PQRS का एरिया प्लस एरिया ऑफ ABCD. ठीक है, यानी अब हमें इन क्रॉस दो क्रॉस रोड का एरिया बता रहे हैं, क्योंकि ये STUV ये इस ABCD में भी आएगा और PQRS में भी आएगा, ये डबल हो जाएगा, इसलिए एक माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ STUV. ठीक है, सो एरिया ऑफ PQRS क्या है? PQRS लेंथ है 700 मीटर इनटू विड्थ है 10 मीटर. ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ABCD लेंथ है 300 मीटर इनटू विड्थ है 10 मीटर, माइनस एरिया ऑफ STUV, इसकी विड्थ भी है 10 और लेंथ भी है 10, ये बनेगा 10 × 10 विच विल बी 700 और ये 10 हो गया 7000, प्लस ये हो गया 300 × 10 हो गया 3000, माइनस 100 × 10 हो गया 100. ठीक है, और ये बनेगा 10,000 माइनस 100 विच विल बी इक्वल टू 9,900 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ द क्रॉस रोड इज 9,900 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज 9,900 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, इसके बाद हमें बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन. तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, वो क्या है? 21000. ठीक है, चार बार जीरो है और माइनस क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द क्रॉस रोड वो क्या है? 9,900. ठीक है, और जीरो टेन में से नाइन हो गया वन, नाइन में से नाइन हो गया जीरो, जीरो टू स्क्वायर, टू लेक 100 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, अब हमें ये बताना है, गिव द आंसर इन हेक्टर्स. अभी हमें ये हेक्टर्स में बताना है. हम जानते हैं 1 square meter इज इक्वल टू 10,000 हेक्टेयर्स. 1 square meter इज इक्वल टू 10,000 हेक्टेयर, तो ये कितना बनेगा? डिवाइड बाई 10,000 करेंगे. ठीक है,
वो आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 20.0100 हेक्टेयर्स इसका आंसर है. ठीक है. थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर. ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ है 90 मीटर, ब्रेथ है 60 मीटर. टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स. ये पी क्यू आर एस है, इस साइड का पैरेलल, और ये ए बी सी डी है, इसका पैरेलल. ठीक है. एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये एट राइट एंगल्स कट करते हैं. ठीक है. थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के सेंटर पर ये कट करते हैं. इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3, यानी ये रोड है, विड्थ है 3 मीटर, और ये दूसरा रोड है, इसका भी विड्थ है 3 मीटर. हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय रोड्स, एरिया कवर्ड बाय रोड, यानी रोड्स का एरिया बताना है. दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट रोड एट द रेट ऑफ 110 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. अब कंस्ट्रक्ट करना है रोड, रोड बनाना है, एक स्क्वायर मीटर के लिए 110 रुपए लगते हैं. हमें बताना है कितना खर्चा आएगा इसका, टोटल कॉस्ट कितना होगा. पहले हमें यह बताना है एरिया ऑफ रोड्स. उससे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड. फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप में, यानी लेंथ क्या है 90 मीटर, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इज 60 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर विच विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 90 इंटू ब्रेड्थ है 90 इंटू 60, वो बनेगा 0096 30 96 54, एंड 5400 स्क्वायर मीटर्स इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है. नाउ एरिया, पहले हम ये बताएंगे लेंथ ऑफ क्रॉस रोड, लेंथ ऑफ क्रॉस रोड ए बी सी डी क्या है इसकी जगह, जो क्योंकि ये पैरेलल में है 60 मीटर. इसी तरह से लेंथ ऑफ क्रॉस रोड पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस 60, ये 90, ये इसके पैरेलल में है, इसके 90 तो पी क्यू आर एस की भी 90. अच्छा विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ ईच क्रॉस रोड इज, वो दिया हुआ है 3 मीटर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस क्या बनेगा, वो एरिया ऑफ आ जाएगा पहले एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. ठीक है. यानी ए बी सी डी इसमें यह साइड भी आता है और पी क्यू आर एस, यानी यह ई एफ जी एच जे डबल हो जाता है, ये ए बी सी डी में भी आ जाता है पी क्यू आर एस में, इसलिए हम एक बार इसको सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 3, यानी 60 इंटू 3 प्लस एरिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पी क्यू की लेंथ है 90, ब्रेड्थ है 3, 90 इंटू माइनस ई एफ जी एच, यानी जो ई एफ जी एच लेंथ है 3 और ब्रेड्थ भी है 3. ठीक है. ये बनेगा 3003 6 18 3003 9 27 3 9 0 7 15 2 1 3 4 minus 9 which is equal to 450 minus 9 which is equal to 441 square meter. So therefore, so area of crossroads क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज 441 स्क्वायर मीटर. ठीक है. इसके बाद दूसरा पार्ट है इफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 स्क्वायर मीटर रोड इज कितना है 100 रुपीज 110, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कितने स्क्वायर मीटर है 441 मीटर
square meter road will be equal to 441 into 110, which will be equal to 0. 11 on the 11, 11 for the 44 plus 1, okay, 45, 11 for the 44 plus 4, okay, 48. So cost of total cost of constructing 441 square meter road is rupees 48,510. This is the answer.